आज की रेसिपी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज कुक मेरे हस्बैंड करने वाले हैं। उनके स्टाइल में बनाते हैं बिहारी चिकन। तो इसके लिए हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद उसमें हमने हल्दी, मिर्चा और नमक डाल के मिक्स करके उसे 10 मिनट तक साइड रख लिया है। 10 मिनट साइड रखने का मतलब ये था कि मसाला अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसे फ्राई कर लिया। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए, बस इतना ही फ्राई करना। फ्राई किया हुआ चिकन हम अलग प्लेट में उसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि चिकन हमारा हल्का सा गोल्डन हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया। अब ग्रेवी के लिए हम मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने सारे गरम मसाले ले लिए, गोल की इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, और उसे अच्छे से क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने लहसुन भी लिया है। हम लहसुन पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, लहसुन को भी अच्छे से क्रश कर लिया है। हमने सेम ऑयल लिया है जो हमने फ्राई किया था, ताकि उसमें जो फ्लेवर है वो इसमें भी आ जाए। उसमें हमने तेल में जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और क्रश किया हुआ लहसुन एंड गरम मसाला डाल दिया है। उसके बाद हमने प्याज डाला है और दो खड़े लहसुन भी डाले, क्योंकि बिहार में दो मतलब लहसुन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो उसे ढक के अच्छे से पकाया। अगर आप बिना ढके पकाएंगे तो प्याज तो ब्राउन हो जाएगा पर वो गलेगा नहीं। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है ताकि हमारा प्याज जल्दी से पक जाए, और उसे ढक के थोड़ी देर तक हम पका लेंगे। प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया और 1/2 चम्मच देगी मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आप तीखा खाते हैं तो 1 चम्मच मिर्च डाल सकते हैं, हमें तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद हमने मसाले को भी अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमारा प्याज और मसाला दोनों फ्राई हो चुका है। फिर इसमें हम फ्राई किया हुआ चिकन डाल के और ढक के इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे, ताकि मसाला और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा पक चुका है। अब इसमें खट्टे के लिए हम 1/2 लेमन का यूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं हमने 1/2 ही लेमन यूज़ किया। अगर चिकन आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप फुल भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन डालने के बाद हमने इसे पकाया नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। उसके बाद एक बॉयल आने तक इसे पकाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।